स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिच्चू वाराणसी की बात कर रहे हैं, इसके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करेंगे, सभी डिटेल की बात करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, पर्टिकुलर एक आपके कोर्स को चॉइस किया जा रहा है, उसके बाद उसके सभी डिटेल की बात करेंगे, कितना आपका कट ऑफ गया है और साथ में आपकी काउंसलिंग की क्या शेड्यूल रहने वाली है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, कोर्स की फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, सभी डिटेल की बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि हम बता दें कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीकॉम, जी हां, बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करेंगे, बीकॉम हॉनर्स या बीकॉम आपके फाइनेंस मार्केट मैनेजमेंट की बात करेंगे, जी हां, आपका फाइनेंस मार्केट मैनेजमेंट की बात करेंगे और साथ में आपके बीकॉम हॉनर्स कोर्स की बात करेंगे जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिच्चू वाराणसी के द्वारा चलता है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, इसकी बात करेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके 10+2 होने चाहिए विद सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस या फिनेंस या फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट या किसी भी प्रकार का आपका कॉमर्स से रिलेटेड आपके ओकेशनल कोर्स होने चाहिए जिसमें आपको 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, इस बात का ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसके एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर ऑन 1 जुलाई 2020। इसमें बोला जा रहा है कि आपका 1 जुलाई 2020 को आपकी एज जो होनी चाहिए 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आपका 2021 के लिए भी हो जाएगा, 1 जुलाई से आपका एज जो है काउंट होगा, इसकी बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टोटल सीट की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम बता दें कि आपके मेन कैंपस के अलावा भी आपकी DAB में और साथ में आपके आर्य महिला PG कॉलेज में, वसंता में आपके फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आपकी पढ़ाई होती है जिसमें आपके बीकॉम के अंतर्गत पढ़ाई होती है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट आपके 286 रहने वाला है, मेल और फीमेल को मिला के आपके 286 टोटल आपकी सीट अवेलेबल है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जो आपका मेन कैंपस में आता है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके वसंता कॉलेज की बात करें जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 96 है जो केवल फीमेल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, पहले से आपके रिजर्व्ड है, केवल फीमेल स्टूडेंट के लिए है। और साथ में आपके अग्रसेन महिला PG कॉलेज की बात करें तो इसमें आपके 96 सीटें जो आपके फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट वन, इसमें आपकी DAB की बात करें तो आपके 227 मेल और फीमेल की सीट अवेलेबल है, इसमें हमने बात किया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मेन कैंपस में आपके 286 सीट हैं, DAB की बात करें तो 227 सीटें जो आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए है। वसंता कॉलेज की बात करें तो 96 आपकी सीट है जो आपकी फीमेल के लिए है। और साथ में आपके आर्य महिला PG कॉलेज की बात करें तो उसमें भी 96 आपकी सीट है जो आपकी फीमेल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके राजीव गांधी साउथ कैंपस जो आपका बरगच्छा आता है, इसमें आपके पेड सीट पर एडमिशन होता है, आपके 25,000 पर एनम आपको पे करना पड़ेगा, पर ईयर आपको एक्स्ट्रा 25,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और साथ में आपकी जो बीकॉम के रेगुलर फीस होगी उसको भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर इसमें नंबर ऑफ सीट की बात करें तो आपका 114 आपका सीट रहने वाला है, जी हाँ, 114 आपका सीट टोटल आपके बरकच्छा में जो आपके साउथ कैंपस में अवेलेबल है जिसमें आपके पेड सीट पर एडमिशन होता है। नेक्स्ट वन, इसमें आपकी बीकॉम अगर आप फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट से करना चाहते हैं तो ये आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और साथ में आपके राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा में आपके स्पेशल कोर्स के अंतर्गत चलता है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट की तो मेन कैंपस में और साथ में आपके राजीव गांधी साउथ कैंपस में टोटल नंबर ऑफ सीट आपके 62 रहने वाले हैं, जिसमें से आपके मैक्सिमम सीट की बात करें तो 62 रहने वाले हैं और मिनिमम सीट की बात करें तो 31 आपके मिनिमम सीट रहने वाली है। और हम बात कर लेते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की,
25,000 रुपीज़ आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप साउथ कैंपस में एडमिशन लेते हैं तो आपका पेड सीट के अंतर्गत आएगा, और साथ में आपकी जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी के रेगुलर फीस है वह आपको पे करना पड़ेगा, एज अ UGC नॉर्म्स आपको पे करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी काउंसलिंग शेड्यूल की। UET के अंतर्गत आपका कोर्स आता है, कोर्स कोड रहने वाला है 133, कोर्स कोड रहने वाला बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट की बात की जा रही है। अगर हम इसकी काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें तो आपकी 29 अक्टूबर 2020 को इसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर हम बात करें कि कहाँ पर आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स BHU में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। टाइमिंग की बात करें तो 9:45 से लेकर 10 तक की टाइमिंग रखी गई है। पहले आपके शिफ्ट की जो काउंसलिंग है, रैंक की बात करें तो आपके PC 4th कैटेगरी की बात की जा रही है, जिसमें आपके मेल और फीमेल स्टूडेंट को वैरीता दी जा रही है। जिसमें आपके ब्लाइंडनेस एंड लो विजन रैंक की बात करें तो 1 से लेकर 84 रैंक वाले बच्चों को बुलाया गया काउंसलिंग में, जिनका मार्क्स आपका 252 से लेकर 42 तक रहने वाला है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके 9:30 से लेकर 9:45 की बात करें तो PCOH स्टूडेंट की बात की जा रही है, जिसमें आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें आपके सेरिब्रल पल्सी और साथ में आपकी LEP रैंक की बात की जा रही है, जिसमें आपके 5 रैंक से लेकर 86 रैंक तक के बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 213 से लेकर 18 तक रहने वाला है। नेक्स्ट जो आपका काउंसलिंग का टाइमिंग है, 10:30 से लेकर 10:45 रहने वाला है, जिसमें आपके PCMD का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात कर लेते हैं, जिसमें आपके 5 रैंक से लेके 48 रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 213 से लेके 101 रहने वाला है। लास्ट वन, इसमें आपके 10:15 से लेके 10:30 में PCAI की बात कर लेते हैं, जिसमें आपके डीप और हार्ड हियरिंग की प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को बुलाया गया है, जिनका आपका रैंक 64 से लेके 72 तक रहने वाला है, और इनके मार्क्स की बात करें तो आपका 84 से 77 तक रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आपके जनरल रैंक की बात कर लेते हैं, जिनकी टाइमिंग आपकी 10:45 से लेके 11 तक की रखी गई है। अगर हम जनरल रैंक की बात करें तो 1 से लेके 196 तक के बच्चों को बुलाया गया है, जिनका रैंक आपको 1 से लेके 196 तक रहने वाला है। अगर इनके मार्क्स की बात करें तो 347 से लेके 275 तक रहने वाला है। नेक्स्ट वन, इसमें आपकी OBC रैंक की बात करें तो 1 से लेके 62 रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 347 से लेके 275 तक रहने वाला है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके SC रैंक को बुलाया गया है, जिनका रैंक आपको 1 से लेके 4 तक रहने वाला है, जिनका मार्क्स आपका 317 से लेके 277 तक रहने वाला है। अगर हम बात करें आपके जनरल रैंक की या OBC रैंक की बात करें, जो आपका AIR रैंक 1 की बात करें तो अगर उनके मार्क्स की बात करें तो 347 उन्होंने मार्क्स को गेन किया है, और वह पहले रैंक पे है जो आपका OBC से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, आपकी काउंसलिंग की जो शेड्यूल रखी गई है 31 अक्टूबर 2020 को रखी गई है। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो 9:45 से लेकर 10 तक की टाइमिंग रखी गई है। रैंक टाइप की बात करें तो आपके जनरल में मेल और फीमेल स्टूडेंट की आपकी काउंसलिंग रखी गई है, जिसमें आपके जनरल रैंक की बात करें तो 197 से लेकर 725 तक के बच्चों को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 274 से लेकर 242 तक आपका लाइस कर रहा है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके OBC रैंक की बात करें तो 66 से लेकर 256 तक के बच्चों को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 274 से लेकर 242 तक लाइस कर रहा है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके SC रैंक की बात करें तो 5 से लेकर 13 रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 274 से लेकर 243 तक लाइस कर रहा है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके SC रैंक की बात करें, 1 से लेके 4th रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 265 से लेके 245 तक रहने वाला है। नेक्स्ट, इसमें आपके PC ब्लाइंडनेस और लो विजन रैंक की बात करें तो पहले और दूसरे रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 252 से लेके 248 तक रहने वाला है। कमेंट करके बताइए कि आपका कितना रैंक आया है, और साथ में आपने कितना मार्क्स गेन किया है BCom की परीक्षा में।
जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपका किसी भी प्रकार का सुझाव या आपका सजेशन है चैनल के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, और साथ में किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, आपकी जो टाइमिंग है आपकी 1 नवंबर 2020 रखी गई है। अगर हम बात करें आपकी टाइमिंग की तो 9:45 से लेकर 10 तक की टाइमिंग रखी गई है। जनरल रैंक की बात करें तो आपके 726 से लेकर 1288 तक की काउंसलिंग को कराया गया है, जिसमें आपके 241 मार्क्स से लेकर 223 मार्क्स तक के बच्चों को बुलाया गया है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके ओबीसी रैंक की बात करें तो 266 से लेकर 455 रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 241 से लेकर 223 तक लाइज कर रहा है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके एससी रैंक की बात करें तो 15 से लेकर 35 रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 241 से लेकर 223 तक लाइज कर रहा है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके एसटी रैंक की बात करें तो 5 रैंक से लेकर 8 रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 237 से लेकर 226 तक बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका पीसी ब्लाइंडनेस एंड लो विजन रैंक की बात करें तो 3rd रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 235 रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आपकी जो काउंसलिंग की शेड्यूल है आपकी 2 नवंबर 2020 रखी गई है। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो 9:45 से लेकर 10 तक की टाइमिंग रखी गई है। मेल और फीमेल जनरल स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। अगर जनरल रैंक की बात करें तो आपका 1289 से लेकर 1551 तक के रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 222 से लेकर 216 तक के बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके ओबीसी रैंक की बात करें तो 468 से लेकर 553 रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 222 से लेकर 216 तक के बच्चों को बुलाया गया है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके एससी रैंक की बात करें तो 36 से लेकर 46 रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 222 से लेकर 217 तक के बच्चों को बुलाया गया है। नेक्स्ट, आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है 10 से लेकर 10:15 तक की बात कर लेते हैं। रैंक टाइप जो रहने वाला है आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें आपके मेल और फीमेल रैंक की बात करें तो इसमें आपके बच्चों की सीट आपकी अवेलेबल नहीं है। आप बोल सकते हैं कि अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए थे, इसीलिए यहाँ पे आपका ब्लैंक शो कर रहा है। नेक्स्ट, इसमें आपकी पीसी ब्लाइंडनेस एंड लो विजन रैंक की बात करें तो 7 और 8 रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 208 और 207 रहने वाला है। नेक्स्ट वन, इसमें आपकी 3 नवंबर 2020 की बात कर लेते हैं। टाइमिंग की बात करें तो 9:45 से लेकर 10 तक की टाइमिंग रखी गई है। रैंक टाइप आपका ओबीसी रहने वाला है। ओबीसी रैंक की बात करें तो 171 से लेकर 921 तक के बच्चों को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 252 से लेकर 195 तक रहने वाला है। पीसी ब्लाइंडनेस एंड लो विजन रैंक की बात करें तो 1 और 2 रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 252 से लेकर 248 तक रहने वाला है। पीसी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें तो आपके 5 से लेकर 9 रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 213 से लेकर 202 तक रहने वाला है। नेक्स्ट, आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है 4 नवंबर 2020 रहने वाला है। टाइमिंग की बात करें तो 9:45 से लेकर 10 तक रहने वाला है। अगर रैंक टाइप की बात करें तो एससी रैंक को बुलाया गया है, मेल और फीमेल स्टूडेंट को बुलाया गया है। अगर हम बात करें इसकी काउंसलिंग शेड्यूल की तो आपका 47 रैंक से लेकर 577 रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 213 से लेकर 123 तक के बच्चों को बुलाया गया है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके पीसी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें तो आपके 27 रैंक को बुलाया, जिनका मार्क्स आपका 134 रहने वाला है। नेक्स्ट है, इसमें आपकी पीसी मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात करें तो आपके 16th रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 154 रहने वाला है। लास्ट, आपका जो काउंसलिंग का डेट है वो आपका 5 नवंबर 2020 रखा गया है। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो 9:45 से लेकर 10 तक की बात की जा रही। रैंक टाइप की बात करें तो वेच्यू एम्प्लॉय रैंक को बुलाया गया है, मेल और फीमेल स्टूडेंट की बात की जा रही। अगर एम्प्लॉय रैंक की बात करें तो आपके 10 से लेकर 98 तक के बच्चों को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 193 से लेकर
32 तक रहने वाला है। नेक्स्ट आपको जो काउंसलिंग का शेड्यूल है और लास्ट है आपका 10 से लेकर 10-15 तक की बात करते हैं। और रैंक जो आपका टाइप रहने वाला है वो आपका ST रहने वाला है। जी हाँ, आपका शेड्यूल टाइप्स रहने वाला है। अगर हम शेड्यूल की बात करें, आपके रैंक वाइज की बात करें, तो 10 रैंक से लेकर 352 रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 212 से लेकर 80 आपके मार्क्स तक लाइस कर रहा है। लास्ट आपका है PC लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें आपके 15th रैंक को बुलाया गया है, जिनका मार्क्स आपका 155 होने वाला है। यह थे आपके BCOM से रिलेटेड सभी आपके काउंसलिंग डिटेल और डेट वाइज सभी चीज़ों को मैंने बता दिया। अगर किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख भेजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और साथ में चैनल पर नए हैं तो इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।